दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक चैनल पर क्यों आता है और उसे रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो भाई अगर आप भी ऐसे परेशानियों से जूझ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा वीडियो देखकर गलत कमेंट ना करें। तो भाई मैं हूँ आपका भाई नवीन कुमार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टिप्स। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो भाई देर ना करते हुए वीडियो करते हैं चालू। देखिए फ्रेंड, कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग स्ट्राइक आखिर हमारे चैनल पर क्यों आता है, पहले हम ये बात को जान लेते हैं। उससे पहले एक और बात हम जान लेते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्या होता है। तो भाई देखिए, यूट्यूब का एक रूल है, उस रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना पड़ता है, उसके अंतर्गत आपको चलना पड़ता है। अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन के बाहर चलते हैं फ्रेंड, तब आपको वार्निंग स्ट्राइक आता है या फिर स्ट्राइक ही आ जाता है। आप जान लिए कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि आखिर वार्निंग स्ट्राइक इस पे क्यों आता है। तो भाई देखिए, अगर आप अपने चैनल पे सेक्सुअल कंटेंट डाल देते हैं तो फ्रेंड उसके बाद में क्या होता है कि आपके चैनल पे वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है। अगर आप बार बार फिर वही गलती करते हैं तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाता है, और 3 स्ट्राइक लगातार आ जाने के बाद आपका चैनल डिलीट भी हो जाता है। तो भाई ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो देखो भाई, बहुत सारे यूट्यूबर बताए होंगे कि रिमूव ऐसे किया जाता है। तो भाई देखो, कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग स्ट्राइक को रिमूव नहीं किया जा सकता है, और रिमूव तब होगा जब आपके चैनल पर फिर से एक स्ट्राइक आएगा। स्ट्राइक आने के बाद जो आपका वार्निंग स्ट्राइक होगा वह रिमूव हो जाएगा और जो स्ट्राइक होगा वो वहां पे शो होने लगेगा। और स्ट्राइक को आपको पता है कि 90 दिन के बाद स्ट्राइक आपके चैनल से हट जाता है। तो भाई आप समझ चुके होंगे कि वार्निंग स्ट्राइक को कैसे रिमूव किया जा सकता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जब तक आपके चैनल पे एक स्ट्राइक नहीं आएगा तब तक वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो भाई बस आज की जानकारी यही थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर